मारी गोली, मौके पर मौत, घर में मचा कोहराम। सिरोली से बरेली रिपोर्टर रामू कठेरिया के साथ सिद्रा महक की रिपोर्ट। पूरा मामला सिरोली क्षेत्र के नवाबपुरा का है, जहां पर सगे भाई ने अपने सगे भाई को कहासुनी होने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। मौके पर पहुंची थाना सिरोली पुलिस ने 315 बोर का तवंचा बरामद किया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। गोली लगने वाले व्यक्ति का नाम बाबू है, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। जिसने गोली मारी है उसका नाम शाने आलम है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि दोनों भाई नवाबपुरा में अपनी रिश्तेदारी में रह रहे थे। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में पहला मर्डर हुआ है, शाने आलम बाइक लेकर फरार हो गया है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जहां घर वालों ने आरोप लगाया है कि अकेले शाने आलम ने उसकी हत्या नहीं की, बल्कि कुछ और लोगों ने मिलकर भी उसकी हत्या की है। बाबू की गोली सीने पर जाकर धस गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताओ बताओ क्या कर रहे थे आप? मेरा कहने का मतलब ये है, कत्ल हुआ छोटा भाई घर में बंद करके, जो 7 फुटा आदमी है उसके लिए क्या कत्ल कर सकता है? अच्छा, ये बात काम है, जो आदमी बाबू मारे गए हैं उसके लिए चीवर पर 4 फुटा आदमी कत्ल कर सकता है? 7 फुटा को किस किसने मारा नाम बताया? किस किसने मारा नाम, आपको नाम पता है क्या? नहीं, मैं आया हूँ, 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं, इसी गाँव के हैं क्या? अच्छा, मेरे सामने बाबू मार रही तो आना भाई।